अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं जी आप लोग? उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। वेलकम टू माय चैनल लिव लाइफ विद अस्मा। तो जी अभी है सुबह का टाइम और मैं स्कूल जाने के लिए तैयार हुई हूँ और ये ड्रेस मैंने पहना है, तो आप ज़रा ड्रेस की हालत देखें, काफ़ी लूज़ हो गया है मुझे। तो इसका यही मतलब है कि जो मेरी डाइटिंग है और जो मेरी हेल्दी डाइट है वो मुझे फ़ायदा दे रही है। तो ये जब स्कूल स्टार्ट हुए थे अभी, तो तब मैंने ये पहना था तो मुझे काफ़ी टाइट था, लेकिन अब मुझे ये काफ़ी ठीक हो चुका है, लूज़ हो गया है। तो इसका यही मतलब है कि ये मुझे डाइट मेरी फ़ायदा दे रही है। तो ये सफ़ायर का सूट है और ये मैंने 2 ईयर्स बैक सफ़ायर से परचेज किया था और इसका स्टफ थोड़ा मिड समर वाला है, तो इस वजह से आजकल के पहनने के लिए बहुत अच्छा है। तो जी स्कूल से जाने के बाद, छुट्टी के बाद मैं गई थी जी, मुझे कुछ मैचिंग करनी थी ट्राउज़र्स की, तो मैं गई थी लोकल मार्केट। तो काफ़ी अरसे के बाद, आफ्टर 6 मंथ मैं ना लोकल मार्केट गई हूँ। और अभी देखें, अभी भी शॉप्स काफ़ी बंद हैं और नहीं खुली थी, तो मुझे तो एक ट्राउज़र ही मैच करना था, तो जस्ट वो मैंने लिया फिर। और लेकिन तो प्राइजेज इतनी ज़्यादा हाई हो चुकी हैं, 500-600 का मुझे लोकल मार्केट से ट्राउज़र मिला। ये मैंने ज़ेलबेरी से लिया था ये 2 पीस, तो उसके साथ मैं ये मैचिंग करने के लिए आई हुई थी। तो खैर मैंने मैच लेना तो था अब, तो फिर मैंने ले लिया। और उसके बाद मुझे ये जो पॉलिएस्टर होता है ये भी लेना था पिलोस के लिए, तो इसकी भी प्राइस काफ़ी ज़्यादा हाई हो चुकी थी। पता नहीं चीज़ें रखी रखी उनकी प्राइस इतनी ज़्यादा हाई हो जाती है, समझ नहीं आती ऐसे कैसे हो जाता है। तो जी मौसम आपको पता है अब चेंज हो रहा है, लाहौर में तो काफ़ी मौसम बदल गया हुआ है, तो मुझे ना इस मौसम के लिए कुछ फ्लीस चाहिए थे। तो मैं आई थी ये बेडशीट्स वाली शॉप पर, तो यहाँ मैंने ये 2-3 फ्लीस देखे थे, लेकिन इनके प्रिंट मुझे और कलर नहीं अच्छे लगे। लेकिन फिर मुझे ये वाला मैंने देखा और मुझे ये पसंद आ गया, तो इसका स्टफ़ भी बहुत अच्छा था और वो बहुत ही पतले पतले फ्लीस थे और उनकी प्राइस बहुत ज़्यादा बता रहे थे। तो लेकिन इसका स्टफ़ भी आप देखें अच्छा है और ये थोड़ा सा मतलब मोटा भी है और कलर भी बहुत ही खूबसूरत है। फिर ये मुझे पसंद आ गया, तो फिर मैंने ये परचेज़ कर लिया। और ये उसने मुझे कह रहा था कि मैं इसमें से अपना कोई फ़ायदा नहीं रख रहा शॉपकीपर, तो ये उसने मुझे कह रहा है कि जी आप पहले कहा करें तो आपको मैं रेट टू रेट दे रहा हूँ। तो जी अब मैं आप लोगों के साथ अपनी जो स्किन केयर रूटीन शेयर करने लगी हूँ। तो जी सबसे पहले ये है जी मेरा क्लिनजिंग मिल्क, इसको आप मेकअप रिमूव करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं और क्लिनजिंग के लिए इसको रोज़ाना इस्तेमाल करें आप। तो ये हेयर एनर्जी का क्लिनजिंग मिल्क है और इसके मैजिकल इफ़ेक्ट हैं, बहुत ही ज़बरदस्त है। ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, तो मेरी रिकमेंडेशन पर आप इसको यूज़ करें। और उसके बाद आ जाते हैं जी टोनर, तो पॉन्ड्स का मैं ये वाला टोनर यूज़ करती हूँ, वाइट ब्यूटी वाला। तो क्लिनजिंग के बाद और फेस वॉश करने के बाद आप अगर टोनर यूज़ करें तो एक तो आपके पोर्स जो हैं वो टाइटन अप रहते हैं और दूसरा ये कि वो पोर्स को ज़्यादा खुले भी नहीं रखता और आहिस्ता आहिस्ता जो आपके पोर्स हैं वो बंद हो जाते हैं और आपका जो फेस है वो क्लियर लगने शुरू हो जाता है और बहुत ही ज़बरदस्त है। और जब फेस वॉश की बात आती है तो वाइसी का ये वाला फेस वॉश मुझे बहुत पसंद है, तो मैं ये वाला यूज़ करती हूँ। इसका बहुत ही माइल्ड फार्मूला है और इसको ये जो पोर्स हैं आप और उसके फेस के पोर्स उनको बहुत अच्छे से क्लीन करता है। मॉइस्चराइजिंग इसमें एलिमेंट भी शामिल है और ये ना गर्मियों के लिए बहुत ही अच्छा है। इसमें एक आता है वो ब्लैक वाला, ब्लैक और वाइट वाला काओ वाला, वो भी काओ मिल्क वाला, वो भी बहुत अच्छा है, लेकिन गर्मियों के हिसाब से ना मुझे ये ज़्यादा अच्छा लगा, तो फिर इसको मैं यूज़ करती हूँ। और साथ ही मेरे पास ये पॉन्ड का भी है, ये भी अच्छा है, ये भी फेस को काफ़ी हद तक क्लीन कर देता है। तो मेरे पास एक ये भी है, इसको भी आप देख सकते हैं कि मैंने किस तरह यूज़ कर करके इसको बिल्कुल ही गुब्बा सा कर दिया, ये बिल्कुल ही भिंगा चिब्बा हो गया। तो फिर जी ये है फेशियल स्क्रब, तो ये भी हेयर एनर्जी वालों का है, इंस्टेंट ग्लो। अगर आप कोई भी ब्लीच वगैरह या कोई भी ट्रीटमेंट नहीं ले रहे पॉलर से तो आप इसको यूज़ करें, कहीं भी जाने से पहले आप 10-15 मिनट पहले इसको यूज़ करें और इसे थोड़ी देर फेस पर लगा रहने दें, तो ये आपके फेस पर ना एक बहुत अच्छा सा इंस्टेंट ग्लो ले आता है। थोड़ी सी एक्सपेंसिव तो है हेयर एनर्जी के प्रोडक्ट्स,
लेकिन ना ये फ़ायदा मंद बहुत है, स्किन को हार्म नहीं करती और मुझे तो इनसे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल हुआ है। मेरी स्किन काफ़ी बेहतर हो गई है पहले से, क्योंकि मैंने तो रोज़ ट्रैवल करना होता है तो रोज़ डर्ट वगैरह और इस तरह से चीज़ें आती हैं फेस पे, तो लेकिन ये बहुत अच्छा है। और ये मैं डेनबाय का फेस मास्क भी यूज़ करती हूँ। और फेस मास्क मैं दो तीन तरह के यूज़ करती हूँ, ये मैं आपको एक ये वाला दिखा रही हूँ डेनबाय का, ये बहुत ही चीप प्राइस में है। ये मैंने लिया था यहाँ से 2 ईयर्स बैक, 160 का लिया था मैंने, तो ये अभी बस मेरा ये ख़त्म हो ही गया है। तो ये आप देखें इसकी प्राइस 160 है। तो ये वाइटनिंग मार्क्स ये भी बहुत अच्छा है, इसके भी बहुत ही अमेजिंग से रिज़ल्ट है और प्राइस भी इसकी इतनी ज़्यादा नहीं है। तो डेनमाई की जो प्रोडक्ट्स हैं ना, अगर आप लोकल मार्केट की तरफ जाते हैं तो ये बहुत अच्छी हैं, आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद हैं। तो जो लोग नई महंगी चीज़ें अफोर्ड कर सकते हैं वो ये भी यूज़ कर सकते हैं। तो जी ये आप ना मेरा रैंक देख लें, ये मैंने अपने वॉशरूम में फ़िट करवाया हुआ है। और पहले ना मैं चीज़ें भी कबर्ड में रखती थी, तो वहाँ से बस लाने का होता था, मैं लेके आऊँ लगाऊँ नहीं, तो फिर इस तरह से काफ़ी चीज़ें ना मेरी पड़ी रहती थी। लेकिन अब मैंने ये वॉशरूम में फ़िट करवा लिया, तो अब मैं यहाँ अपनी सारी चीज़ें रख लेती हूँ। तो ये जो है ना, ये मैंने वो मेकअप जो रिमूवल है वो रखे हुए हैं, और ये मेरे मास्क हैं, तो जब दिल चाहता है निकाल के अब मैं यूज़ कर लेती हूँ, बड़ा इजी हो गया इस तरह से। और ये जो है ना, ये मेरा डेली का मेकअप है। तो इसका जो टूर है ना वो मैं इंशाल्लाह आपको जल्द दूंगी और बताऊंगी कि ये कितना हेल्पफुल है। ये स्टैंड जब से लगा ना, सच में मेरी ज़िंदगी तो बहुत ही आसान हो गई है और बहुत ही मुझे फ़ायदेमंद लगा है कि ये सारी चीज़ें इसमें आ गई हैं, जब चाहो आपने जो यूज़ करना है कर सकते हैं। अच्छा जी, अब ये मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, ये फेस ऑयल है, ये भी हेयर एनर्जी का है। तो मेरे पास इनकी काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं, मुझे इनसे फ़ायदा मिला है तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। इन्होंने मुझे स्पॉन्सर नहीं किया, वो तो मुझे शायद जानते भी नहीं होंगे क्योंकि उनके तो बेसिक शुमार कस्टमर हैं। तो ये ना फेस ऑयल जो आपकी पिगमेंटेशन है या कोई भी आपके फेस पर वो झुर्रियाँ वगैरह आ रही हैं या कोई भी फेस के प्रॉब्लम्स हैं, पिंपल्स हैं, उनके लिए बड़ा अच्छा और मॉइस्चराइजिंग है। आजकल तो वैसे सीज़न भी सर्दियों का आ गया है, तो आप ये यूज़ कर सकते हैं और आपको फ़ायदा भी बहुत होगा इससे। तो मैं ये यूज़ कर रही हूँ तकरीबन 6 मंथ से मैं इसको यूज़ कर रही हूँ, तो मुझे इसका बहुत फ़ायदा हासिल हुआ। अच्छा, इससे पहले ना मैं वो जो है इवनटॉन सी क्रीम वो मैं यूज़ कर रही थी, वो भी बहुत अच्छी है, लेकिन उसको छोड़ा ना तो फिर स्किन थोड़ी सी डल सी हो जाती है। लेकिन इसको यूज़ करके मुझे ऐसा नहीं लगा, इसको बीच में मैंने काफ़ी अर्सा छोड़ के भी देखा है, लेकिन इससे मेरी जो स्किन है ना उसे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। और वैसे भी ऑर्गेनिक है, इसके पास आप देख सकते हैं ऑर्गेनिक लिखा हुआ है। तो ये जो आपके फेस के सेल्स हैं, स्किन के सेल्स हैं, उनको रिपेयर करता है और कोई भी जो हार्मफुल इफ़ेक्ट है ना वो स्किन को नहीं आ जाता। फजूल किस्म की क्रीमें यूज़ करने से बेहतर है कि आप थोड़े से फेस पे इन्वेस्ट करें और ये यूज़ कर लें। और इसके साथ ना ये मास्क आता है, मैंने ये दोनों चीज़ें इकट्ठी परचेज़ की थी, रमज़ान में की थी, तब भी इनकी जो ईद सेल थी वो चल रही है, आजकल भी इनके पेज पर सेल चल रही है। तो मैंने सोचा चलें आप लोगों के साथ ये चीज़ें शेयर करती हूँ, तो ताकि आप भी अगर लेना चाहें तो ले सकते हैं। और ये मास्क है, ये मास्क भी बहुत ज़बरदस्त है। मेरा ये सारी चीज़ें बताने का मकसद ये है कि आप अच्छी प्रोडक्ट यूज़ करें ताकि आपकी स्किन को उससे फ़ायदा हो। थोड़े से पैसे अगर लगा लेंगे स्किन के ऊपर तो ये लॉन्ग टर्म फ़ायदेमंद है। और जी ये इनकी प्रोडक्ट है जी फूड कैंडी, तो जो ये फूड कैंडी है ये पाँव और हाथों के लिए है, तो मैं भी इसको कभी कभार यूज़ कर लेती हूँ। वैसे अगर 4-5 दिन यूज़ कर लूँ अगर कहीं जाना हो तो बहुत अच्छा इसका रिज़ल्ट मिलता है, लेकिन बस मैं सुस्त बहुत हूँ कि इतनी ज़्यादा यूज़ नहीं करती। तो अगर आप लोग इसको लेना चाहें तो आप भी ले सकते हैं। तो ये ये अच्छी चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों के साथ, मुझे इनके रिज़ल्ट मिले हैं, कोई भी हार्मफुल इनका वो नहीं है, इफ़ेक्ट नहीं है आपके स्किन पर, तो इस वजह से मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, मुझे दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।